नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी समय से आपका इस लेक्चर का काफ़ी आप वेट कर रहे थे कि आत्मा से रिलेटेड एक क्लास हो जाए। तो मैंने आपसे बोला भी था कि आत्मा से रिलेटेड में एक दो मैराथन आपसे करवाऊंगा। तो ये आत्मा स्कीम जो है ना बच्चा, इससे रिलेटेड मैं क्या करवाने वाला हूँ, इससे रिलेटेड जितनी मतलब आत्मा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी, ठीक है, आत्मा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। जनरली हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ आत्मा जो है स्कीम के बारे में पढ़ते हैं कि ये कब आई है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, ये पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आत्मा से रिलेटेड पूरा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है और अभी तक जो चल रहा है वहाँ तक की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। स्टेट लेवल पर क्या काम होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या काम होता है और विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर क्या काम होता है, जो हमारे किसान मित्र होते हैं उनको कितना पैसा मिलता है, गवर्नमेंट का कितना शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर है, सब की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि आत्मा अगर एग्जाम आत्मा की एग्जाम है, एटीएम बीटीएम की एग्जाम है, तो हो सकता है कि आत्मा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। आत्मा से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सिलेबस में तो ऑब्वियसली है ही सही, एक्सटेंशन वाला पार्ट है तो एक्सटेंशन के अंदर आत्मा पढ़ना ही रहता है। लेकिन इससे डिटेल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी जो है शेयर है स्टेट गवर्नमेंट का, कितना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, कितना बजट इसमें दिया गया था स्टार्टिंग में, है ना, और ये किस कंपोनेंट के अंदर आता है, कौन से सबमिशन के अंदर आता है, ये सारी जानकारी हम देखेंगे। कितना पैसा इसमें मिलता है, फार्मर फ्रेंड्स को कितना पैसा मिलता है, फार्मर फ्रेंड कितने विलेज में एक होता है, सारी जानकारी आज हम मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। क्लियर है? मैं इसका दावा नहीं करता कि क्वेश्चन यहाँ से बने, लेकिन जैसे हाल ही में जो भी पेपर हो रहे हैं ना, वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, तो ये समझ सकते हो कि एक आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है ये। आत्मा आता है एक्सटेंशन के अंदर, आत्मा में मुश्किल से 2-5 मिनट का लेक्चर होता है कि भाई ये कब आया, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। लेकिन मैं इसको आपको डेप्थ में ले जा रहा हूँ, लगभग 10-15 पेज का ये आपका होगा नोट्स। मैं आपको शेयर भी कर दूंगा क्या इसमें वर्किंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सारी चीज़ें ना पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा ऑल अबाउट, ठीक है। अब ये पार्ट क्या है, स्कीम वाला पार्ट है, चीज़ें हमेशा चेंज होती है, तो मैं इसको इसी पीडीएफ फॉर्मेट में ही पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि है ना कोई सब्जेक्ट होता तो मैं खुद पढ़ के और पढ़ाता आपको, पर इतना अपना समय आपके पास भी नहीं हो ना मेरे पास है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो बात की गई ना आत्मा की बच्चा, तो ये आत्मा स्कीम है, ये किसके अंदर आती है, तो ये होता है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। किसके अंदर आता है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आता है, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ये कब आया था, 2014 में, किस गवर्नमेंट के अंडर में, यूपीए कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंडर में ये आया था, क्योंकि उस समय 2014 में ही गवर्नमेंट बदली थी मई जून के आसपास। तो जो ये नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी 2014 में इसको शुरू किया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर में, और जो एनडीए गवर्नमेंट है 2014 में ही, जो किसकी गवर्नमेंट आ गई, बीजेपी की, एनडीए गवर्नमेंट, इसके अंदर इन्होंने कुछ कंपोनेंट ऐड किए, क्या ऐड किए, इनके अंदर इन्होंने कुछ कंपोनेंट ऐड किए। ये स्कीम का मेन पर्पज़ क्या था, जो है टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, कि जो भी टेक्नोलॉजी बनती है, जो भी टेक्नोलॉजी मतलब कि जो भी रिसर्च होता है, रिसर्च में कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आती है, कुछ टेक्नोलॉजी जो है बनती है, रिसर्च होता है टेक्नोलॉजी का, उसका क्या होना, डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन मतलब फैलाना, उन टेक्नोलॉजी को फैलाना, कहाँ तक, रिसर्च स्टेशन से लेके फार्मर तक, है ना। तो आत्मा जो है ना बच्चा क्या काम करता है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है, रिसर्च जो स्टेशन होता है, जैसे हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, केवीकेएस है, ये सारी चीज़ें, ये जो रिसर्च स्टेशन है और फार्मर है, इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करता है आत्मा। आत्मा क्या काम करता है कि जो भी रिसर्च होता है, जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप होती है, उसको फार्मर तक ले जाने का काम कौन करता है, आत्मा करता है। मतलब आत्मा क्या कर रहा है, एक्सटेंशन का काम कर रहा है। तो ये जो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी 2014 में यूपीए गवर्नमेंट ने शुरू किया था, क्या था, कुल मिला के यही था कि टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेशन होना चाहिए, फार्मर तक चीज़ें पहुँचनी चाहिए। तो उसमें एनडीए ने कुछ कंपोनेंट ऐड कर दिए, वो कंपोनेंट क्या क्या थे, कुल 4, याद रखना, कितने कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट ऐड किए थे। 4 कंपोनेंट में क्या क्या थे, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, नेशनल मिशन ऑन सब मिशन ऑन एक्सटेंशन, जो है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मतलब कि ये तो मेन मिशन हो गया, नेशनल मिशन हो गया, इसके अंदर में इन्होंने सब मिशन चालू किए थे 4। एक एक्सटेंशन का किया था, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल किया था, प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन का किया था, और मैकेनाइजेशन का किया था, मतलब इंजीनियरिंग का किया था। 4 मिशन इन्होंने शुरू किए थे, ठीक है। 1 by 1 सबके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्लियर है। देखो यही सारी चीज़ें हैं भाई, मैंने बोला नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये
अब ये जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मैं सारी चीज़ बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इनके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट याद रखना, इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं बच्चा, इसके प्रेसिडेंट होते हैं नरेंद्र मोदी साहब। किसके? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और यही कमेटी क्या करती है, जो हमारे एमएसपी है उसको, एमएसपी को अनाउंस करती है, अनाउंस्ड, ठीक है, एमएसपी को अनाउंस कौन करती है, ये कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो नरेंद्र मोदी होते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है एमएसपी, बाकी अनाउंस जो है ये कमेटी करती है। और यही कमेटी क्या करती है, अप्रूव करती है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी। इसको लॉन्च किसने किया, इसी कमेटी ने, मतलब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ठीक है। किस प्लान के अंदर, 12th फाइव ईयर प्लान, मतलब जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, फाइव ईयर प्लान था उसके अंदर। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो बच्चा 2012 से लेके 2017 तक थी, लेकिन 2017 तक पहुंच ही नहीं पाए। 2015 में प्लानिंग कमीशन को खत्म कर नीति आयोग शुरू कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 से, इसी के अंदर थी ये, ठीक है। तो 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया, ठीक, 12th फाइव ईयर प्लान मतलब 2014 ये लिखा है, लॉन्च बाय यूपीए गवर्नमेंट, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको 2014 में इसको लॉन्च किया था। क्या था इसका, स्प्रेड फ्रॉम एक्सटेंशन सर्विस, मतलब कि जो भी रिसर्च या टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसको फार्मर तक पहुंचाना, मतलब क्या करना है, स्प्रेड करना, फैलाना है, फार्म एक्सटेंशन सर्विस, फार्म की जो भी सर्विसेज है उसको ठीक है, और उनका मेकेनाइजेशन जो भी होता है उसको फार्मर तक पहुंचाना। अब जो एनडीए गवर्नमेंट आ गई, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने क्या किया, इसमें कुछ कंपोनेंट और जो क्या कर दिए, इसके अंदर जोड़ दिए। क्या क्या कंपोनेंट है, देखो, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पहला, सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन, ये चार कंपोनेंट इन्होंने और ऐड कर दिए, ठीक है। अब हमारी जो आत्मा है ना बच्चा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मा जो है इन चार सब मिशन में किसके अंडर में आती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि आत्मा जो है कम्स अंडर, ठीक, आत्मा कम्स अंडर दी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसके अंदर आती है हमारी आत्मा। बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रहा हूँ बच्चा, आउट ऑफ क्वेश्चन आता है आत्मा का तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आपको बता दूँ लगभग 250 पेज की ये गाइडलाइन है आत्मा की, आत्मा आप जाओगे नेट पे तो आपको मिलेगी गाइडलाइन, आत्मा गाइडलाइन 2018 की अभी तक डली हुई है, लेटेस्ट, अभी लेटेस्ट वाली नहीं है, 2018 की गाइडलाइन डली हुई है। तो ये आत्मा की जो 250 पेज की जो गाइडलाइन है उसको मैंने पढ़ा है, और उसको पढ़ के मैंने ये 10 पेज का सार निकाला, ये समझ सकते हो। इसलिए कल क्लास क्यों नहीं हो पाई, क्लास इसलिए नहीं हो पाई कि आपके सारे जो आंसर की आई थी ऑब्जेक्शन में दिन भर मुझे टाइम हो गया, हर बच्चे को मैसेज का रिप्लाई करके दिन भर टाइम हो गया, उसी में सारे पेपर मैंने कंपाइल भी कर दिए, वो भी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जितने भी तीनों शिफ्ट के आ रही हो, SSDO और SADO सारे आपको कंपाइल करके एक साथ दे दूंगा, उसको एक बार पढ़ लेना। तो आत्मा की लगभग गाइडलाइन में कम से कम 200-250 पेज है, उसको मैंने पूरा पढ़ा और ये 10 पेज का सार निकाल के आपके सामने आया हूँ, ठीक है। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती कि भाई ये जस्ट आके बस पढ़ा दिया, चीज़ों को निकालना, पढ़ना, समझना बहुत समय लगता है। तो हमारी जो आत्मा है ना बच्चा, वो किसके अंदर आती है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर आती है। और ये पूछा जाए कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन किसके अंदर आता है, तो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कब शुरू हुआ, तो ये भी 2014-15 में शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ये 2014 में आया और इसी गवर्नमेंट, इसी 2014 में ही बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसके अंदर ये सबमिशन चालू कर दिए। तो अगर आपसे पूछा जाए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कब शुरू हुआ, तो वो भी 2014-15 में शुरू हुआ, ठीक है। अब आप बोलो कि सर आत्मा तो 2005 में आ गया था, बच्चा 2005 में आग जरूर गया था, लेकिन जब ये सब मिशन और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आया तो आत्मा को इसके अंडर में कर दिया गया, याद रखना आत्मा तो 2005 में शुरू हो गया था, तब ये नहीं बना था सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जब ये बना 2014-15 में तब आत्मा को इसी के अंडर में कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए आत्मा किसके अंडर में आती है, तो ये याद रखना, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे यही चीज़ बोली गई ना कि जो 12, अब ये जो अपनी सब मिशन है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, इस ये किस में आया था, 12th फाइव ईयर प्लान में आया था, 25 ईयर प्लान में आया था, लेकिन इसको 5 साल के बाद बंद नहीं किया गया है ना, नहीं तो क्या होता, 5 ईयर प्लान मतलब कि 5 साल में उस पर काम करना, लेकिन इसको बंद नहीं किया गया, इसको कंटिन्यूअसली चलाया गया, ठीक है। ये लिखा हुआ है कंटिन्यूएशन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बियॉन्ड 12th फाइव ईयर, मतलब जो 5 ईयर 12th जो 12वां हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद भी इसको चलाया गया। और इसके अंदर आप देखोगे कंपोनेंट तो एक आता है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम,
और एक आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये दो कंपोनेंट इसके अंदर है। तो जो हमारी आत्मा है ना बच्चा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के अंदर आती है और ये सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म, इसी को बोलते हैं आत्मा स्कीम, इसी को बोला जाता है आत्मा स्कीम। चीज़ों को समझना थोड़ा डिटेल में है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो ये, क्योंकि ये डिटेल में चीज़ें हैं। आपका अगर आत्मा की जगह ये नाम दिख जाए ना आपको कि सपोर्ट टू ये, आपको ये दिख जाए स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म, इसका मतलब ही आत्मा स्कीम है। ठीक है, समझना क्यों है, अभी आगे सारी चीज़ें आएगी। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ये आत्मा जो है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। स्पॉन्सर का मतलब क्या है, इसमें 90% शेयर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 10% स्टेट गवर्नमेंट का भी, आगे आपको चीज़ें मिलेगी। तो स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म, जो एक्सटेंशन रिफॉर्म हुए थे इंडिया के अंदर, उसमें स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम जो ये आया था उसी को हमने आत्मा स्कीम बोला है। आगे जाके समझना चीज़ों को। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और क्या क्या आई थी इसके अंदर, इसके अंदर आया था मास मीडिया सपोर्ट टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अब मास मीडिया सपोर्ट का मतलब क्या है, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, प्राइवेट रेडियो हो गया, ये सारे मास मीडिया वाले, जो मास मीडिया हमने पढ़ा भी एक्सटेंशन के अंदर, आपका फेयर हो गया, एग्जीबिशन हो गया, है ना, जो है आपका सिनेमा हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, थिएटर हो गया, ये सारा किसके अंदर आएगा, मास मीडिया सपोर्ट टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। क्योंकि एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन में मास मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, न्यूज़पेपर आपके हो गए, एग्जीबिशन हो गया, फेयर हो गया, मेला हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई आपकी, है ना, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, ये मास में। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, इसका भी रोल था इसके अंदर। ये कब आया, ये 2002 में आया, ठीक है, ये 2002 में आया। कौन सा, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, इसके बारे में भी आगे पढ़ाऊंगा। इसको ट्रेनिंग कौन देता है, इसको ट्रेनिंग देता है मैनेज, और इसमें क्या लगभग 20 लाख रुपए से दिए जाते हैं, अगर 5 मेंबर ग्रुप में हो तो 16 लाख, मतलब 1 करोड़ के आसपास दिया जाता है। सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं आगे जाके। एक्सटेंशन सपोर्ट टू द सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जितने भी सेंट्रल हमारे इंस्टीट्यूट है एक्सटेंशन से रिलेटेड, उनको भी यहाँ पर एक्सटेंशन जो है उन्होंने सपोर्ट इसको दिया, किसको, एक्सटेंशन को। और अंततः आ जाता हमारा केसीसी, किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर भी क्या करता है, आपको कोई फार्मर्स को मान लो कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, किसी को पूछना है, तो सीधे कॉल सेंटर पर कॉल करेगा, किसान कॉल सेंटर पर, और वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो मतलब वहाँ भी क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि आत्मा से रिलेटेड, आत्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं अंदर तक, वो सारा हम पढ़ रहे हैं, उसके आसपास की चीज़ें भी हम पढ़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा तो सारा बनना चाहिए। ठीक है, ये देखो, अभी तक शायद चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या चल रहा है सर, आत्मा के बारे में आप क्या पढ़ा रहे हो भाई, ऐसा ही है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो सिलेबस में था, मतलब पढ़ाया ही नहीं गया, सिलेबस से बाहर है ये है भाई, ऐसा तो नहीं। मैं होता क्या है, अभी मैं 10-20 क्वेश्चन निकाल लूँ, किसके ऑब्जेक्टिव के, और उसको नाम दे दूँ आत्मा मॉक टेस्ट, आत्मा लाइव टेस्ट, और 10-20 क्वेश्चन करवा दूँ, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को भी, है ना बच्चा। उसका कोई सेंस नहीं है, चीज़ें डेप्थ में नहीं पता हो, मालूम नहीं हो क्या है ये, तो कोई मतलब नहीं ना। व्यूज़, मेरा काम व्यूज़ पाना नहीं है कि मैं बस आ गया और कुछ ठाक ले आया और सिर्फ व्यूज़ पा लूँ। चीज़ें टफ लग रही है, लेकिन बच्चा अगर क्वेश्चन आया ना तो सिर्फ आपसे ही बनेगा और किसी से नहीं बनेगा, ये भी बता दूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार देख लेना। देखो मैंने बताया था सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म, जिसको हमने आत्मा स्कीम बोला है, याद रखना। अब ये किसी को नहीं पता, जो बच्चा अभी मेरा वीडियो देख रहा है, मुझसे पढ़ रहा है, उसको पता है कि इसी को हमने आत्मा स्कीम बोला है। ठीक है, किसी को पता है, नहीं पता, यह PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये देखो कब हुआ था, इंट्रोडक्शन समझना इसको, इंट्रोडक्शन समझना। ठीक, एक्सटेंशन रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर एक्सटेंशन के रिफॉर्म्स हुए। रिफॉर्म्स मतलब होता है कि कई सारे बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, कई सारी जो है नई नई चीज़ें लागू करते हैं। तो जब रिफॉर्म्स हुए तो सबसे पहले इन्होंने, पायलट का मतलब होता है शुरुआती दौर में एक टेस्ट लेना, है ना। तो इन्होंने 28 डिस्ट्रिक्ट, 7 राज्य के 28 डिस्ट्रिक्ट में ये रिफॉर्म्स किए, एक्सटेंशन से रिफॉर्म्स किए का 7 राज्यों के 28 जिलों में। कब से कब तक, 1998 से लेकर 2005 तक, 1998 से लेकर 2005 तक, मतलब 7 से 8 सालों में इन्होंने 28 जिले, 7 राज्यों के 28 जिलों में क्या किया, इस स्कीम को चलाया, किसा, स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म को चलाया। ठीक, ये जो प्रोग्राम था ना बच्चा, इनका रहा सक्सेसफुल, क्या रहा, ये सक्सेसफुल रहा, इन्होंने अच्छी तरीके से सर्विस दी किसानों को और ये सक्सेसफुल रहा, और किसानों ने भी पॉजिटिव फीडबैक दिया। ठीक, ये सक्सेस रहा उसके आधार पर, ठीक, जो रिफॉर्म्स इन्होंने किए थे एक्सटेंशन के 7 राज्यों के 28 जिलों में, ये सक्सेसफुल रहा 7 सालों में। तब इन्होंने स्कीम लॉन्च करी, क्या, सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म, कब, 2005-06 में, और इसी को बोला गया आत्मा, यही थी 2-5-06 में, इसी को आत्मा बोला गया।
ठीक है, मतलब आत्मा प्रोग्राम आने से पहले चीज़ें चल रही थी, एक्सटेंशन में रिफॉर्म्स चल रहे थे, वो सक्सेसफुल रहे, लोगों को पॉजिटिव फीडबैक मिला, लोगों को अच्छी जानकारियाँ मिली, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उनका फसलों का उत्पादन बढ़ा, उनको चीज़ें फार्मर्स तक पहुँची, टेक्नोलॉजी उनके पास पहुँची, तो ये सक्सेसफुल रहा। उस आधार पर इन्होंने क्या किया, एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म 2005-06 में शुरू किया, उसी को हम आत्मा बोलते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है ना, थोड़ी डेप्थ में है बच्चा, लेकिन मैं इसलिए करवाता हूँ कि एक बार पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आपसे कोई भी पूछ लेगा कि ये आत्मा को किस नाम से जाना जाता है, तो आप ये बता सकते हो कि सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म 2005-06 में आया था। ठीक, अब ये जो रहा इसको इन्होंने एक्सपेंड किया, कब से कब तक, इन्होंने 2010 और 2014 ये बात की इन्होंने, कवरेज द स्कीम वाज इंक्रीज इन द फेज मैनर। अब इन्होंने इसको एक्सपेंड किया, ये 7 राज्य और 28 जिलों में था, इस तरीके से इन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया, और ये एक्सपेंशन शुरू करते करते आज ये स्थिति एक लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट का बोल सकते हो, लगभग 676 डिस्ट्रिक्ट और 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में आत्मा प्रोग्राम चलता है। ये लिखा है लगभग 776 डिस्ट्रिक्ट, 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी पर ये चलता है आत्मा प्रोग्राम। ठीक, लिखा है आत्मा स्कीम लॉन्च हुई 5-6 में, जो मैंने ये बोला 5-6 में, बस नाम अलग अलग दे दिए इनको। ठीक, अब यहाँ पर पार्टिसिपेशन किन किन का रहता है आत्मा के अंदर, आप देखोगे फार्मर्स का और फार्मर ग्रुप्स का भी पार्टिसिपेशन रहेगा, एनजीओस मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ रहेगा, केवीकेएस का भी पार्टिसिपेशन रहेगा, पंचायती राज जो ग्राम पंचायत है उनका भी पार्टिसिपेशन रहेगा, और अदर स्टेट होल्डर ऑपरेटिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ये सब के सब कहाँ पर, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये आत्मा वर्क करती है, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मतलब क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल और ब्लॉक लेवल से विलेज लेवल पर जो भी टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेशन होगा, आगे मैं बताऊंगा सारा लेवल वाइज कैसे काम करता है आत्मा, कैसे कहाँ पर किस लेवल पर वर्क करता है उसके, अब आपको पता होना चाहिए ना, डिस्ट्रिक्ट पे आत्मा काम कर रही तो स्टेट लेवल पर कौन काम कर रहा, ब्लॉक लेवल पर कौन काम कर रहा, विलेज लेवल पर कौन काम कर रहा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि आत्मा किस लेवल पर काम करती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, चलिए अब बात है, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये यक लिखा है रजिस्टर्ड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो टेक्नोलॉजी का तकनीकी का प्रसार करती है, डिसेमिनेशन करती है, फैलाती है, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, आत्मा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब ऑब्जेक्टिव सीधी सी बात है, फार्मर्स लिंकेज, फार्मर लिंकेज, अब ये रिसर्च स्टेशन है, ये है फार्मर, अब यहाँ से कोई भी चीज़ें बन रही है वो फार्मर तक पहुँचाना है, तो कोई रिसर्चर है या कोई साइंटिस्ट तो फार्मर के पास जाएगा नहीं कि भाई ये टेक्नोलॉजी का हुआ है, तो यहाँ पर बीच में काम करती है आत्मा। अब आत्मा बोल लो है, अपने केवीकेस हैं, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहाँ से ये इनके पास आएगी टेक्नोलॉजी और ये फार्मर तक पहुँचाते हैं। ठीक है, ये फार्मर तक पहुंचाते हैं, वही चीज़ है, प्रोवाइड एंड इफेक्टिव मैकेनाइजिंग फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी फॉर द डिफरेंट एजेंसी इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन वैलिडेशन एंड डिसेमिनेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। अब ये सिर्फ आत्मा ही नहीं है, हम बोल सकते हैं कि ये क्या इफेक्टिव मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन करती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी, आप देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर केवीके भी होता है, तो केवीके हो गया, आत्मा हो गया, हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, है ना, जो कृषि विभाग है, इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन करके टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेशन करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर, और फार्मर तक पहुँचाने का काम भी करते हैं। ठीक, क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी इससे, टेक्नोलॉजी का अच्छे से डिसेमिनेशन हो जाएगा, टेक्नोलॉजी अच्छे से फार्मर तक पहुंच जाएगी, डेवलप न्यू पार्टनरशिप विद द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और कई सारे जो एनजीओस हैं उनके साथ भी ये पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के लेके फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स इसमें क्या क्या मिलेंगे आपको, अब देखो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ये क्या बनाते हैं, एक फार्मर एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फार्मर एडवाइजरी कमेटी, क्यों बनाते हैं फार्मर एडवाइजरी कमेटी, भैया हमें पता तो चलना चाहिए कि फार्मर के पास जो टेक्नोलॉजी पहुंची है, फार्मर के पास जो चीज़ें पहुंची है, क्या फार्मर उससे सेटिस्फाई है या नहीं, तो ये फार्मर एडवाइजरी कमेटी क्या करती है, ये फीडबैक लेती है फार्मर से, है ना, फार्मर्स का फीडबैक इनके पास आता है, फार्मर अपना फीडबैक देते हैं कि हाँ ये टेक्नोलॉजी आई थी इससे हमें ये फायदा हुआ, हमारी कॉस्ट कम आई, हमारा प्रोडक्शन अच्छा हुआ, टीफ हो जी जो एक्सटेंशन वर्कर हमारे पास आया था वो बहुत अच्छा था, उसने प्रॉपर तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दी, इस तरीके से फीडबैक के लिए ये फार्मर एडवाइजरी कमेटी बनती है। अब ये फार्मर एडवाइजरी कमेटी बनती है ना बच्चा, ये स्टेट लेवल पर भी बनती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनती है, ब्लॉक लेवल पर भी बनती है, और जो विलेज लेवल है वहाँ पर काम करता है किसान मित्र, जिसको हम फार्मर फ्रेंड्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चा, बहुत बारीकी से एक एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, चीज़ों को समझना। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मर एडवाइजरी कमेटी भी बनाती है। एनजीओ जो है
यूजिंग एनजीओ टू ऑर्गेनाइज जो है ऑर्गेनाइज फार्मर। अब यहाँ पर जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है बहुत सारे, उनका भी यूज़ किया जाता है फार्मर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता है इसमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए। जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी बढ़ावा दिया जाता है कि भाई आप भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करो। वैलिडेशन, वही सारी जो ऑब्जेक्टिव्स में वही है, बॉटम अप प्लानिंग प्रोसीजर है, याद रखना, क्योंकि हमने पढ़ाई है एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन है ही बॉटम अप प्लानिंग, है ही बॉटम अप प्लानिंग। फार्मर से लेकर ऊपर तक उनकी प्रॉब्लम्स जाती है और वहाँ से वापस इंफॉर्मेशन फार्मर तक पहुँचती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उपयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ट्रेनिंग जो है जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग भी उनको दी जाती है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। मैंने बोला है मैनेज के थ्रू हुए और भी जो हमारे स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है भोपाल में वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। प्राइवेट पार्टनरशिप भी ये डेवलप करते हैं, प्राइवेट कंपनियों के साथ भी इनका टाइप रहता है। ठीक है, ट्रेनिंग देने के लिए फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए। फॉर्मेशन या स्ट्रेंथ ऑफ फार्मर इंटरेस्ट इन ग्रुप, अब फार्मर के जो इंटरेस्ट ग्रुप है उनकी ताकत या उनको बनाने उनको जो है मजबूती प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। अब अलोकेशन, ये तो देखो ऑब्जेक्टिव वगैरह तो शायद पूछे जाए, नहीं भी पूछे जाए, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलोकेशन एंड स्कीम कॉस्ट क्या है, सेंटर स्टेट शेयर, सेंटर और स्टेट का शेयर क्या है, तो 60-40 का शेयर रहता है नॉर्मल कंडीशन में, याद रखना 60-40 का शेयर है नॉर्मल कंडीशन में, 60-40 का इन जनरल। और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है हमारे, नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य है वहाँ पर 90-10 का रेशियो चलता है। ठीक है, जो नॉर्थ स्टेट वाले हैं वहाँ पर 90-10 का रेशियो चलता है, और जो हिमालयी स्टेट है, हिमालयन स्टेट है वहाँ पर छोड़ के, उनको छोड़कर ऑल कंपोनेंट एक्सेप्ट फार्मर फ्रेंड्स एंड 3 हिमालयन स्टेट फॉर द ऑल कंपोनेंट एक्सेप्ट फार्मर सी। तो जो 90-10 का जो रेशियो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो नॉर्थ ईस्ट राज्य और 3 हिमालयी स्टेट को लगता है सिर्फ फार्मर फ्रेंड्स को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि फार्मर फ्रेंड्स को कितना शेयर रहता है, फार्मर फ्रेंड्स का शेयर रहता है 50% जो है फार्मर फ्रेंड्स को सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 50 स्टेट गवर्नमेंट देती है। और ये भी बताऊंगा कितना पैसा दिया जाता है किसान मित्र को। अगर आपके आसपास कोई किसान मित्र रह रहा है और उसको पैसा नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, अवेयरनेस की कमी है और उसको पता नहीं है कि भाई मुझे भी 12,000 साल के मिलते हैं। कितने मिलते हैं फार्मर फ्रेंड्स को, 12,000 रुपये तक मिलते हैं। ठीक है, हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं उसको। अगर वो अवेयर नहीं है इस बात की, उसको जानकारी नहीं है, मतलब उसका पैसा कोई और खा रहा है। ठीक है, तो वो सारी जानकारी देखो, फॉर फार्मर फ्रेंड्स विल बी 50-50 रेशियो रहता है सेंट्रल और स्टेट का। जो यूनियन टेरिटरी है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है यूनियन टेरिटरी के लिए। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही है। सेंट्रल शेयर की बात करो, 60-40 का शेयर रहेगा नॉर्मल स्टेट के लिए। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है या हिमालयन स्टेट है वहाँ पर जो है 90-10 का रेशियो रहेगा, फार्मर फ्रेंड्स के लिए 50-50 का रेशियो रहेगा, और जो यूनियन टेरिटरी वहाँ पर 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बता दूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आत्मा कंपोनेंट, अब देखो ये कहाँ पर कैसे काम करता है आत्मा कंपोनेंट, ये देखो ये डायग्राम आपका जो है पूरी तरीके से सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, ठीक है, ये जो डायग्राम है इससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकते हैं आपके। मैं दावा नहीं करता कि क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना। एज ए टीचर मुझे जो एग्ज़ाम, जिस डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम हो रही है उसके बारे में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम में आए या ना आए। ठीक, चलिए, ये लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। अब देखो स्टेट लेवल पर क्या चीज़ होती है, स्टेट लेवल पर होती है स्टेट लेवल सेंक्शनिंग कमेटी। क्या होती है, स्टेट लेवल सेंक्शनिंग कमेटी होती है, ये स्टेट लेवल सेंक्शनिंग कमेटी होती है। अब यहाँ पर स्टेट लेवल पर नोडल सेल, आप देखो यहाँ पर ट्रेनिंग कौन देगा, स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कौन देता है, स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग देता है ये समिति। समिति मतलब क्या हो गया, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग एंड जो है इंस्टीट्यूट। तो हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है एमपी की बात करो तो वो है भोपाल में। क्या नाम है उसका, सब बात करेंगे, कब इस्टेब्लिश हुआ, 2006 में इस्टेब्लिश हुआ, सारी बात करेंगे। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी ट्रेनिंग देती है, ICAR इंस्टीट्यूट भी ट्रेनिंग देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर बनती है स्टेट फार्मर एडवाइजरी कमेटी। मैंने बोला ना कौन सी कमेटी बनेगी फार्मर के लिए, तो स्टेट लेवल पर भी होती है स्टेट फार्मर एडवाइजरी कमेटी, जहाँ पर फार्मर्स का फीडबैक लिए जाते हैं। ये स्टेट लेवल पर हो गया, स्टेट लेवल पर नोडल एजेंसी कौन कौन सी है, ये सारी है, देखना इस तरफ लिखी हुई है, सारे जो है स्टेट लेवल पर काम करती है। आत्मा जो है, ठीक है, ये है आत्मा, ठीक है, गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी हो गया। अब ये जो है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें आपका KVKS मिल जाएगा और जोनल रिसर्च स्टेशन मिल जाएगा। ठीक, तो आत्मा काम करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर KVKS हो गया और जोनल रिसर्च सेंटर हो गया। ये यहाँ पर जो है फंड जो है फ्लो इस तरीके से होगा, ये फंड का फ्लो इस तरीके से होता है और प्लान जो है वर्क प्लान जो इस तरीके से होता है।
समझ में आया, ये फंडिंग वाली चीज़ें हैं कि फंडिंग कौन करेगा और वर्क प्लान किस तरीके से काम करेगा ये देखो। तो स्टेट लेवल पर क्या होती है, ये समिति हो गया, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिट्स ICAR इंस्टीट्यूट, ये फंडिंग करते हैं और वर्क प्लान जो है फार्मर जो स्टेट फार्मर एडवाइजरी कमेटी होती है, यहीं से फीडबैक भी मिलता है और वर्क प्लान भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। आत्मा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर हो गया, KVK हो गया, जोनल रिसर्च सेंटर हो गया, यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है फार्मर एडवाइजरी कमेटी आ जाएगी। ब्लॉक की बात करो, ब्लॉक पे ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम जो हमारा BTM है ना, और जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम BTM ATM, ये बताऊंगा कि एक ब्लॉक में कितने होने चाहिए BTM, कितने जो है ATM होने चाहिए, ये भी बात करेंगे। तो ब्लॉक फार्मर एडवाइजरी कमेटी यहाँ पर आ जाएगी। फार्मर फ्रेंड्स आ जाएगा, ये कहाँ होगा, फार्मर फ्रेंड जो है ये विलेज लेवल पर होगा, ठीक है, ये किस लेवल पर होगा, ये विलेज लेवल पर होगा, आगे से पता चलेगा कौन किस लेवल पर है, विलेज लेवल पर होगा। तो फार्मर फ्रेंड क्या हो सकता है, एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है एग्रीकल्चर, मतलब एक एग्रीकल्चर बिजनेसमैन हो सकता है भाई, या ये क्या काम करेगा यहाँ पर, वर्क प्लान कैसे होगा, फार्म स्कूल। फार्म स्कूल का मतलब क्या होता है समझना, एक गांव के अंदर फार्म स्कूल का मतलब समझा रहा हूँ मैं, क्या है, गांव के अंदर एक ऐसा फार्मर है ना जिसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है और वो टेक्निकल फार्मिंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जो अपने गांव के और फार्मर हैं जिनको नॉलेज नहीं है या जो टेक्निकल खेती नहीं कर रहे हैं, उनको अपना नॉलेज देगा, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने खेती करने के तरीके को फार्मर्स को बताएगा, दैट इज़ उसको हम बोलते हैं फार्म स्कूल, ठीक, ऐसा हम बोल सकते हैं। बाकी आपका हो गया कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, ठीक है, ये सारे फार्मर्स आ जाएंगे नीचे, ये फार्मर्स ग्रुप आ जाएंगे सारे के सारे। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि जो स्टेट लेवल पर बात करें तो ये समिति हो जाएगी, यहाँ पर स्टेट फार्मर एडवाइजरी कमेटी, आत्मा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, और ये सेंटर जो है फंड जो फ्लो होता है फंड का, ब्लॉक में ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम आ जाएगी। फार्मर फ्रेंड कौन होता है, या तो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर होता है जिसके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, अच्छा वो बोल पाता हो, अच्छा उसके पास स्किल हो, नॉलेज हो एग्रीकल्चर का, उसको फार्मर फ्रेंड्स बनाया जाता है, किसान मित्र बनाया जाता है। फॉलोइंग कमेटी सेल वेरियस लेवल, कौन कौन सी कमेटी होती है, देखो स्टेट लेवल पर मैंने बताया अभी, ये इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप, ठीक, ये जो ग्रुप होता है ना जिसको हमने क्या बोला था, फार्म स्टेट एडवाइजरी कमेटी, या जो ये जो होता है स्टेट लेवल सेंक्शनिंग ग्रुप होता है ना, सेंक्शनिंग ग्रुप होता है, ये क्या काम करता है, ये जो वर्क प्लान तैयार करता है, वर्क प्लान ये तैयार करते हैं कि क्या जो है वर्किंग कंडीशन, वर्क कैसे करना है, ये वर्क प्लान तैयार करती हैं, ठीक है। समिति मैंने बताई दिया, ये स्टेट लेवल पर होते हैं, हर एक स्टेट में आपको मिल जाएगा, MP के अंदर जो है वो भी है, CRS करके है, और वो भोपाल में है, 2006 में बना है, ठीक। ये फार्मर्स फीडबैक से रिलेटेड है स्टेट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आओगे तो आत्मा गवर्निंग बोर्ड आ जाएगा, आत्मा मैनेजिंग कमेटी आ जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट फार्म एडवाइजरी कमेटी आ जाएगा, ये तीनों है, ठीक है, तीनों के तीनों ऊपर भी यहाँ पे देखोगे आपको ये रही, ठीक, ये तीनों GB और MC गवर्निंग बॉडी और जो आपकी मैनेजमेंट कमेटी है। ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम आ जाएगा और ब्लॉक फार्मर एडवाइजरी कमेटी आ जाएगा, ठीक। और विलेज लेवल पर क्या आ जाएगा बच्चा, विलेज लेवल पर आ जाएगा आपका फार्मर फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, फार्मर फ्रेंड्स, याद रखना। बहुत ज़्यादा हम डीप में चल रहे हैं, 250 पेज में से मैंने 10 पेज निकाले, इतना भी डीप में नहीं, पर बाकी अगर कहीं पर कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए, मेरा बस इतना पर्पज है, ठीक, इतना डीप में पढ़ाने का बस इतना पर्पज है। अब फंक्शनली सपोर्ट एट द वेरियस लेवल, फंक्शनली सपोर्ट क्या है वेरियस लेवल पर, ये देखना है। देखो मैंने आपको बताया कि जो एक ब्लॉक है, मैं यहाँ पे सीधे आपको बता रहा हूँ, मेन पावर की बात हो रही है, मेन पावर सपोर्ट की बात करें तो एवरेज बात करो, 3 जो है ATM आपको मिलेंगे, 3 ATM और 1 जो है BTM ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा ये आपको, पर ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में अंडर दिस स्कीम, हर ब्लॉक में आपको 3 तो ATM और 1 जो है BTM यहाँ पर देखने को मिलता है एक ब्लॉक के अंदर। समझ में आ गई बात, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जो है ATM जो एग्रीकल्चर जो कहते हैं असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर और जो है ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर होने चाहिए एक ब्लॉक के अंदर, तो 3 तो ATM होना चाहिए और 1 जो है BTM होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये क्या काम करता है, टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन कैसे करता है, ये सब। मास मीडिया के बारे में आपको बता चुका हूँ, रेडियो हो गया, TV हो गया, प्राइवेट रेडियो, ये सारी चीज़ें, दूरदर्शन हो गया, रेडियो हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, मास मीडिया सपोर्ट है। एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर की बात करें, ये अप्रैल 2002 में लॉन्च हुआ था, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अगर ये एग्री क्लिनिक किसी को खोलना है ना, एग्री क्लिनिक किसी को खोलना है तो गवर्नमेंट इसमें अच्छी खासी सब्सिडी देती है। तो क्वेश्चन सब्सिडी के ऊपर पूछा जाता है कि OBC जनरल को कितनी सब्सिडी मिलती है, ST SC को कितनी सब्सिडी मिलती है ना, और एक अगर आप मान लो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो तो उस पर कितना पैसा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आपका प्रोजेक्ट है, कॉस्ट ऑफ सब्सिडी की बात करें तो वो कितनी है, 20 लाख रुपए इंडिविजुअल के लिए, याद रखना, बढ़ा दी गई है, 20 लाख हो गए इंडिविजुअल के लिए, ठीक।
इंडिविजुअल के लिए 25 लाख मिलेगा अगर आप आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो वाकई में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है तो आपको 25 लाख मिल सकते हैं, बाकी इंडिविजुअल जो 20 लाख मिलेंगे। और इस पर कितनी सब्सिडी वो भी बात करूँगा। 100 लाख मतलब 1 करोड़ रुपये, 100 लाख मतलब 1 करोड़ रुपये आपको मिलेंगे जब आप ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 4-5 मेंबर मिलकर बना रहे हैं। मतलब ग्रुप में कितने, कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए, 5 पर्सन होने चाहिए ग्रुप में। अगर 5 लोग मिलकर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको 1 करोड़ रुपये मिल सकते हैं, 1 के अंदर में वही 20 लाख रुपये। ठीक, ये थी। अब सब्सिडी की बात करें जो रिवाइज हो गई, कैपिटल एंड इंटरेस्ट सब्सिडी टू कंपोजिट सब्सिडी हो गया। इसमें देखो 44% प्रोजेक्ट कास्ट की, प्रोजेक्ट कास्ट मतलब आपकी 20 लाख रुपए है इंडिविजुअल की, तो उसकी 44% प्रोजेक्ट कास्ट की फॉर वुमेन किसको मिलेगा, औरतों को। चीज़ें समझना, ऐसे पूछा जा सकता है अगर महिला कोई एंटरप्रेन्योर है, महिला कोई अगर एग्री क्लिनिक सेंटर खोलना चाहती है तो जो प्रोजेक्ट कास्ट है उसका 44%, SC ST को भी कितना मिलेगा, 44% प्रोजेक्ट कास्ट का, याद रखना वुमेन को, महिला को, ST ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 44% मिलेगा प्रोजेक्ट कास्ट का। ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड हिली स्टेट, चीज़ें समझना, वुमन हो गई, महिला हो गई, ST ST कैंडिडेट हो गए, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो कैंडिडेट है या हिली स्टेट के कैंडिडेट है जिनका शेयर 90-10 वाला है, मतलब जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ की बात कर रहे हैं, इनको 44%। 36% प्रोजेक्ट कास्ट की सब्सिडी किसको मिलेगी, ऑल अदर, बाकी जो बचे, बाकी कौन, 36% में आपके OBC आ जाएंगे और UR, ठीक है, OBC और UR, बाकी जो बचे उनके लिए जनरली ST ST वुमन और इनका ही पूछा जाता है, 44% सब्सिडी इनको दी जाती है। ठीक है, मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, कम से कम 5 मेंबर तो होने ही चाहिए, बात हो गई पहले। टोल फ्री नंबर क्या है एग्री क्लिनिक एग्री सेंटर के, 1556 से लेकर 5:30 बजे तक इसकी टाइमिंग है। फर्स्ट एबी जो ACABC सेंटर कहाँ पे, वापी बलसार डिस्ट्रिक्ट गुजरात, भाई सुनील कुमार के द्वारा खोला गया था पहला, ये भी पता होना चाहिए। ट्रेनिंग कौन देता है, मान लो कि आपको एग्री क्लिनिक सेंटर खोलना है तो भैया आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, कौन आपको ट्रेनिंग देगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना कि ACABC को ट्रेनिंग कौन देता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट मैनेज ट्रेनिंग देता है। मैनेज कहाँ है, हैदराबाद में है, कब बना था, 1987 में ये बना था हैदराबाद में, ठीक है, कहाँ है, हैदराबाद में 1987 में ये बना था। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ACABC कैंडिडेट को जो एग्री क्लिनिक सेंटर खोलना चाहता है। इंक्लूजन ऑफ मुद्रा लोन अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर द एग्री क्लिनिक, अब देखो इसमें मुद्रा योजना को भी इंक्लूड कर दिया है, किसके लिए, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर के लिए। तो ये सारा जो है पार्ट है, मैं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके अंदर हमने आत्मा भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ACABC भी पढ़ा, अब KVK के बारे में भी थोड़ा सा देख लो, किसान कॉल सेंटर के बारे में, KVK वगैरह के बारे में मैंने एक्सटेंशन में सारा पढ़ाया आपको। किसान कॉल सेंटर जो है लॉन्च हुआ था 21 जनवरी 2004, कौन थे उसमें प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय कौन थे, PM थे, उन्होंने ही, उन्हीं के कर कमलों से ये लॉन्च हुआ था किसान कॉल सेंटर। टोल फ्री नंबर आपको पता होना चाहिए, ये अभी शायद किसी पेपर में पूछा भी गया था, मुझे नहीं पता, शायद पटवारी वटवारी किसी पेपर में, किसी तो पेपर में पूछा गया था, ये 1881, ठीक है। टाइमिंग 6-10 इसका रहता है, 3 लेवल पर ये काम करता है, टोटल KCC जो है 21 किसान कॉल सेंटर है, टोटल लैंग्वेज कितनी है, 22 लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जानकारी पता होना चाहिए, क्लियर है। टोल फ्री नंबर आपको पता ही है, ये 1551 या 1881 होना चाहिए। ये सारे जो है एक्सटेंशन से रिलेटेड है और आत्मा की बात भी हमने इसी के अंदर की है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन देख सकते हो, एम एप्लीकेशन आई थी, किसने तैयार की, इसने, सीडेक ने। सीडेक क्या है, सीडेक आपको पता है, इसने पहला कंप्यूटर बनाया था 1991 में, कौन सा था, परम सुपर कंप्यूटर, विजय भटनागर पांडुरंगा, ये इसके फादर है, मतलब इंडिया में जो है सुपर कंप्यूटर के फादर विजय भटनागर पांडुरंग को ही बोला जाता है। सीडेक क्या था इसका, कंप्यूटिंग डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, 1991 में पहला इन्होंने परम जो है 8000 कंप्यूटर बनाया था, विजय भटनागर पांडुरंग इसके क्या थे, मतलब उस समय थे सीडेक के चेयरमैन थे ये, और इन्हीं को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया का बोला जाता है। तो इन्हीं के द्वारा, मतलब सीडेक के द्वारा, जो पुणे सीडेक है उन्हीं के द्वारा जो एम किसान, मोबाइल किसान ये बनाई, जिसमें आपको पशु एंड पुल, पूछ एंड पुल, मतलब बहुत पूछ एंड पुल
जो है टुगेदर SMS, इनके द्वारा पुश एंड पुल के द्वारा आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल में मिल जाती है। डीडी किसान इंडियाज़ फर्स्ट टेलीविजन डेडिकेटेड टू फार्मर, पहला जो है भारत का पहला ऐसा चैनल है जो डेडिकेटेड किसान के लिए। इसको मई 2015 में शुरू किया गया था और लगभग 24 घंटे ये काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, डीडी जो है दूरदर्शन कब शुरू हुआ ये देख सकते हो, कब शुरू हुआ था, जनवरी 26 1967 में डीडी शुरू हुआ था, दूरदर्शन शुरू हुआ था। क्रॉप इंश्योरेंस और एग्री मार्केट ऐप, ये दोनों दिसंबर 2015 में, मतलब मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं फार्मर्स के लिए। तो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप और एग्री मार्केट ऐप भी शुरू हुए। एग्री मार्केट ऐप मतलब 50 किलोमीटर के रेडियस में जो भी मंडीज हैं वो लोकेशन आपको बता देता है इसमें, ठीक है, GPS के थ्रू। ई कृषि संवाद भी, ठीक है, ये भी वेबसाइट एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए ही है, फार्मर्स के लिए ही है। डायरेक्ट और इफेक्टिव सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा प्रॉब्लम्स का। ठीक है, फिर आता है सपोर्ट फॉर इनोवेशन एक्टिविटी एट द विलेज लेवल। अब विलेज लेवल पर क्या यहाँ पर सपोर्ट है, क्या यहाँ पर क्रियाएँ होती, क्या यहाँ एक्टिविटीज़ होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखो, आपको मैंने पहले बता दिया कि जहाँ विलेज लेवल पर कौन होते हैं, फार्मर फ्रेंड्स होते हैं, याद रखना विलेज लेवल पर कौन होते हैं, फार्मर फ्रेंड्स, ये लिखा है, जिसको अपन किसान मित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसान मित्र। अगर आपके पास कोई आसपास गांव में या किसान मित्र है तो उससे पूछना, भाई आपको पैसा कितना मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो किसान मित्र है गांव में जो होते हैं किसान मित्र, उनको 12,000 रुपये मिलते हैं साल के, उसमें से 6,000 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 6,000 स्टेट गवर्नमेंट देती है, और स्टेट गवर्नमेंट इसको और 6,000 बढ़ा भी सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट 6,000 तक बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द ग्रूम प्रोग्रेसिव फार्मर, मतलब ये यहाँ पर ये आवश्यक है कि आपको एक अच्छा सा फार्मर्स यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा, जिसको जो प्रोग्रेसिव हो, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हो, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल हो, जिसके पास नॉलेज अच्छा हो। ठीक है, चाहे वो वुमेन ही क्यों ना हो या महिला किसान ही क्यों ना हो। ठीक है, उसके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कम से कम सीनियर सेकेंडरी या हाई स्कूल उसके पास होना चाहिए, मतलब 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस एज फार्मर फ्रेंड्स 1 per 2 सेंसस विलेज, मतलब कि एक फार्मर फ्रेंड्स कहाँ होना चाहिए, 2 विलेज में, मतलब 2 विलेज पर क्या होना चाहिए, एक फार्मर। ठीक है, 2 गांव के लिए एक फार्मर होता है, एक फार्मर फ्रेंड होता है, एक किसान मित्र होता है 2 गांव के लिए। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने फार्मर्स फ्रेंड्स की आवश्यकता होती है, या फिर एक फार्मर फ्रेंड्स कितने गांव के लिए होता है, 2 गांव के लिए होता है, या 2 गांव के लिए कितने फार्मर्स फ्रेंड्स की आवश्यकता होती है, तो एक। ठीक, फार्मर फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई कौन करेगा बच्चा, फार्मर फ्रेंड को आइडेंटिफाई करता है BTM आइडेंटिफाई करता है भाई किसे हमें जो है किसान मित्र बनाना है। ठीक है, ग्राम पंचायत विच विल बी द टर्न कंसल्ट जो है क्या बोलते हैं, कम्युनिटी इंटरेस्ट ग्रुप है, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप है, वर्किंग इन द पंचायत एरिया। पंचायत एरिया में जो भी है फार्मर्स कम्युनिटी ग्रुप या को कंसल्ट कर रहा हो, या जो कम्युनिटी इंटरेस्ट ग्रुप को कंसल्ट कर सकता हो, ऐसे जो फार्मर्स फ्रेंड है या किसान मित्र को आइडेंटिफाई कौन करेगा, BTM करेगा। ये लिखा है 12,000 रुपये इनको मिलते हैं पर साल। अब इसमें इक्वली शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, 50-50% जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो भी उसमें मीट द कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर हो फार्मर्स फेयर्स का टुवार्ड दी डिस्चार्ज दिस ड्यूटीज़, उसकी ड्यूटीज़ के लिए जो भी उसके एक्सपेंडिचर हो वो सारे आ जाएंगे इसमें, इंक्लूडिंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एक्विजिटिंग द नॉलेज द स्टेट में बी डिसाइडेड। स्टेट क्या डिसाइड करेगा इसमें, हायर फिक्स्ड अमाउंट मोर देन 12,000। तो स्टेट इसमें डिसाइड कर सकता है कि इसको 12,000 से ज़्यादा देना है कि नहीं, तो 6,000 और बढ़ा सकते हैं, लेकिन कौन, सिर्फ जो है कंट्रीब्यूट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल नॉट बी एग्जिस्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 6,000 से ज़्यादा नहीं दे सकती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसका बढ़ा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 6,000 देगी और स्टेट गवर्नमेंट भी 6,000 देती है, लेकिन वो चाहे तो बढ़ा सकती है। ठीक है, वो चाहे तो बढ़ा सकती है। अब आत्मा का कैफेटेरिया, मतलब आत्मा की वर्किंग की बात करें तो स्टेट लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की बात करते हैं ये। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की बात करते हैं, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना फार्मर्स को। अदर एक्टिविटीज़ में क्या है, तो आपको एग्री मतलब कि जो है मेले एग्जीबिशन जो होते हैं, कृषि मेले, रीजनल फेयर्स मतलब जो क्षेत्रीय मेले लगते हैं, कृषि एक्सपो होता है, मतलब जो भी नई जो टेक्नोलॉजी उसका एक्सपांशन जो करते हैं, मतलब कि जो जैसे गाड़ियों का एक्सपो होता है ना कि आज नई गाड़ी मार्केट में लॉन्च हुई, उस तरीके से टेक्नोलॉजी का भी एक्सपो होता है। रिवार्ड्स है, इंसेंटिव्स है, फार्मर्स को रिवार्ड भी दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, 10,000 जो है एक जो भी इनोवेटिव फार्मर होता है उसको 10,000 रुपये तक प्राइस भी दिया जाता है, 15,000 भी प्राइस दिया जाता है। ठीक है, इनाम भी दिए जाते हैं। ठीक, समय समय पर हर साल इनाम मिलता है, फार्मर्स अवार्ड ये बोला, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन स्कीम इंक्लूडिंग द रिव्यू वर्कशॉप, जो भी जितना भी वर्कशॉप हुई या सेमिनार हुए उनको रिव्यू करने का भी काम है, मॉनिटर करने का काम भी किसका है, आत्मा का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है स्टेट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या काम होता है ये देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखो फार्मर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ होती है,
फार्मर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ मतलब क्या भाई? फार्मर्स को ट्रेनिंग देना, फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना, इन्फॉर्मेशन ये डिसमिनेशन करना, फिर रिसर्च एक्सटेंशन फार्मर, यहाँ पर साइंटिस्ट और फार्मर का इंटरफेस होता है। रिसर्च एक्सटेंशन फार्मर मतलब क्या है? रिसर्च होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये रिसर्च होगा और ये फार्मर है, तो कोई भी रिसर्च हुई फार्मर तक पहुँचेगी कैसे? एक्सटेंशन के थ्रू, इसलिए इसको REF बोलते हैं, याद रखना। REF क्यों बोला है? क्योंकि जो रिसर्च होगा वो सीधे फार्मर के पास नहीं पहुँचता है, वो आत्मा के थ्रू, आत्मा बोल लो या एक्सटेंशन वर्कर बोल लो, है ना, उसके थ्रू ही फार्मर के पास पहुँचता है। तो ये लिंक का काम करता है आत्मा रिसर्च और फार्मर के बीच में, मतलब कि यहाँ पर साइंटिस्ट और फार्मर का इंटरफेस भी करवाया जाता है। टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन, जो भी नई टेक्नोलॉजी बनी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, उसका जो है डिसमिनेशन फार्मर तक होना, ये सारी चीज़ें हैं बच्चा, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें सब मैं बता रहा हूँ। फार्मर ओरिएंटेड क्या होना चाहिए? फार्म इंफॉर्मेशन, वही सारी चीज़ें हैं, रिसर्च एक्सटेंशन वो भी है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन, मतलब फार्मर के बेस ओरिएंटेड जो स्कीम जो काम है वो भी यही है, ठीक। मेन एक्टिविटी इंक्लूड द कैफेटेरिया, मेन एक्टिविटीज़ क्या है? मेन एक्टिविटीज़ है फार्म स्कूल, मैं बता चुका हूँ फार्म स्कूल का मतलब क्या है। मान लो कोई एक फार्मर है जो काफ़ी अच्छा नॉलेज रखता है, इनोवेटिव फार्मर है गांव के अंदर, तो वो जो है बाकी जो फार्मर थे उसको अपनी टेक्नोलॉजी का ज्ञान देगा, डिसमिनेशन करवाएगा, तो उसको हम फार्म स्कूल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जो फार्मर है वो अपने फील्ड पर किसानों को इकट्ठा करेगा और उसके अपनी फील्ड पर जो भी उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है और उसका फ़ायदा उसने लिया है, तो उसको हम फार्म स्कूल बोलेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन आपको अच्छे से पता है, डेमोन्स्ट्रेशन पूरा चैप्टर ही पढ़ा हमने, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, ये सारा आपको पता है। और क्या चीज़ें हैं इसमें फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप के लिए क्या चीज़ें हैं? तो जो कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप है उसको प्रमोट करना, ठीक, इसके लिए कितने फार्मर्स होने चाहिए ग्रुप में? 20 से 25 फार्मर्स होने चाहिए। फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप है, एटलीस्ट वंस इन मंथ एक बार कम से कम मीटिंग होनी चाहिए, महीने में एक बार कम से कम मीटिंग होनी चाहिए, ये याद रखना, महीने में एक बार इनकी मीटिंग होनी चाहिए। ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम हो गया, अपना ब्लॉक जो है फार्मर एडवाइजरी कमेटी है वो मॉनिटर करेगा इस ग्रुप को रेगुलर बेसिस पे। जो कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप है फार्मर का जो ग्रुप है उनको मॉनिटर कौन करेगा? ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम और जो फीडबैक वाली टीम है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा इसमें, एक मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मिली जो मुझे अलग लगी, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं काला झत्ता, सर्टिफिकेट क्रॉप एडवाइजरी एंड अदर इनोवेटिव मेथड है काला झत्ता, ये आत्मा से रिलेटेड है ना, कभी अगर दिख जाए ना काला जत्ता ऑप्शन में तो ठोक देना काला जत्ता। पाथ ब्रेकिंग एंड इंटरेस्टिंग मेथड, ये एक पाथ ब्रेकिंग और इंटरेस्टिंग मेथड है जिसको हमने काला जत्ता बोला, जिसको क्या बोला जाता है एक्चुअल मतलब क्या, उसका रोड शो, क्या बोलते हैं उसको, रोड शो, समझ लेना रोड शो का मतलब क्या है, काला जत्ता, है ना, पूरा का पूरा जत्ता निकलता है ना, एक भैया पता चला कि ये 50 लोगों का जत्ता निकला, हम बोलते हैं ना ऐसे लैंग्वेज में, कई अपने मूवियों में देखा होगा कि पूरा पूरा काला 50 लोगों का जत्ता गुजरा है यहाँ से, जत्ता का मतलब होता है रोड शो, ठीक, काला जत्ता मतलब रोड शो की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक्सटेंशन टेक्निक है काला जत्ता, वाल पोस्टर लगा लो आप, एक्सटेंशन बसेस कर लो, सर्टिफाइड क्रॉप एडवाइजरी लगा लो, ये सारा है इसमें। कितना पैसा जो है 5 लाख रुपये तक, ये बोला ना 5 लाख रुपये तक पर डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड फॉर द पर्पज, इस पर्पज़ के लगभग 5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। 25 लाख जो है स्टेट प्रोवाइड करता है आत्मा कैफेटेरिया इन दिस पर्पज, आत्मा के जो कैफेटेरिया उसमें 25 लाख तक स्टेट गवर्नमेंट देता है और 5 लाख जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करता है इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना बच्चा, अब किसका क्या काम है, ये पूरी लिस्ट मैंने डाली हुई है, ठीक है, किसका क्या काम है। जैसे विलेज लेवल पर कौन काम करता है, फार्मर फ्रेंड काम करते हैं बच्चा। मुझे अगर क्वेश्चन आया ना बच्चा, आपके अलावा कोई नहीं कर पाएगा, बता रहा हूँ, क्योंकि खोद के निकाला हूँ पूरा, 200 पेज की PDF मैंने पढ़ी है और तब जाके ये चीज़ें निकाली है। फार्मर फ्रेंड्स विलेज लेवल पर कौन होता है, डिजिग्नेशन पोच फार्मर फ्रेंड होता है, जिसको हम किसान मित्र बोलते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है देख लो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ फार्मर या कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, उसके मोबिलाइजेशन की बात ही करेगा। कंडक्टिंग फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट करेगा, किसान गोष्ठी संगोष्ठी कंडक्ट करेगा, ठीक है, विलेज रिसर्च एक्सटेंशन एक्शन प्लान ये प्रिपेयर करेगा, कौन, फार्मर फ्रेंड्स। हालांकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं, मेरे यहाँ भी फार्मर फ्रेंड्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे गांव के जो है 90% लोग जानते भी है कि फार्मर फ्रेंड्स कौन है, ठीक है। फिर ये सारे काम उसको ATM एंड ब्लॉक लेवल फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्री एलाइड एक्टिविटीज, जो भी उसको मिलती है इंफॉर्मेशन आगे से ATM से या BTM से, वो इंफॉर्मेशन क्या करता है उसके पास आती है और वो फील्ड लेवल पर एक्टिविटीज़ करवाता है फार्मर से, ठीक, ये इसके हो गए। अब देखो ब्लॉक पे कौन होगा, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर ATM होगा, उसका ये सारा फंक्शन लिखे हुए हैं, उसके फंक्शन क्या है। BTM होता है, ठीक है, ये भी किस पे होता है, ब्लॉक लेवल पर होता है, इसके सारे फंक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये क्या है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल आत्मा आ गई, है ना,
डिस्ट्रिक्ट लेवल आत्मा, यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, पीडी होता है, उसके क्या काम है वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर में डायरेक्टर जो है फर्स्ट, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है उसके क्या काम है, ठीक है, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर सेकेंड है उसके क्या काम है, तो ये सारा मैंने लिस्ट डाली हुई है, इसको अच्छे से पढ़ना बच्चा, ठीक है। अब मैनेज इससे रिलेटेड, तो मैनेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, फुल फॉर्म आपको पता ही है कब 1987 में बना, ये भी पता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, हैदराबाद में, ये बता चुका हूँ। अब यहाँ से एक पब्लिकेशन, मतलब जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, यहाँ से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है एक्सटेंशन डाइजेस्ट, हाफ ईयरली या सिक्स मंथली, याद रखना हाफ ईयरली या सिक्स मंथली, एक्सटेंशन डाइजेस्ट के नाम से निकलती है। कहाँ से? मैनेजमेंट, कौन से जर्नल से? जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल जो है एक्सटेंशन मैनेजमेंट, वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरियस प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मैनेज। ये तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एजुकेशन भी देता है, इंफॉर्मेशन सर्विस कंसल्टेंसी भी देता है, और यहाँ पर रिसर्च भी होते हैं। ये सारे काम होते हैं कहाँ पर? मैनेज के अंदर। और जो एसी एबीसी को ट्रेनिंग देता है वो मैनेज ही देता है, मोस्ट ऑफ द एक्सटेंशन ट्रेनिंग आपको यहीं मिलेगी। अब मैंने बात की थी अपने स्टेट की, तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग, ये कहाँ पर है? भदभदा रोड, ठीक है, बरखेड़ी कला, भोपाल, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, यहीं पर होती है आपकी। मान लो अगर आप सिलेक्ट हुए आईटीएम के अंदर, बीटीएम के अंदर, तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? यहाँ पर होगी, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट होते हो आईटीएम बीटीएम में तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ होती है। कब बना? 2006 में बना, ठीक है। और भी कई सारे ट्रेनिंग यहीं पर होती है, एग्रीकल्चर वालों की मोस्टली ट्रेनिंग यहीं पर होती है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के थ्रू। अब ये क्या करता है, ये किस एक्ट के थ्रू आया? तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के थ्रू आया। ये याद रखना, ये जो है स्टेट जो है इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी, ये स्टेट नोडल एजेंसी है, मतलब सबसे बड़ी एजेंसी है स्टेट की, है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रिफॉर्म्स स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब जो आत्मा स्कीम है उसको क्या करने के लिए? इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी यहाँ पर नोडल एजेंसी यही है। क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है बच्चा? मैं बता चुका हूँ यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपकी होती है ट्रेनिंग, क्या होती है? ये ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है, पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके यहीं होंगे अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। क्या इसके करेक्टर्स हैं? तो पहले मैं बता चुका हूँ यहाँ पर कि वर्क एज ए स्टेट नोडल एजेंसी, मतलब स्टेट की, राज्य की सबसे बड़ी एजेंसी होगी आत्मा के लिए, ये सबसे बड़ी एजेंसी आत्मा के लिए। दूसरा यहाँ पर क्या है? दूसरा यहाँ पर क्या है? टू वर्क एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूट, वही बात है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, एपेक्स मतलब शीर्ष इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग के लिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर में जो भी है, मान लो आप आरईओ भी बनोगे, शायद ट्रेनिंग होगी तो यहीं पर होगी। टू ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वेरियस कैडर, अलग अलग एग्रीकल्चर के जो वेरियस कैडर हैं उन सबकी जो है ट्रेनिंग यहीं पर होती है। टू ऑर्गेनाइज स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मतलब सारा ट्रेनिंग से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट प्लान और डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर तैयार किया जाता है, आपको कंसल्टेंसी भी दी जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन भी यहाँ पर होता है, ठीक। वर्कशॉप सेमिनार भी यहाँ पर किया जाता है, सारी चीज़ें देखो, ये सारा एक्सटेंशन वाला ये प्रिपेयर पब्लिश लिटरेचर ऑडियो वीडियो सब सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पर। तो ये सब कुछ आपको डिप्लोमा भी दिया जाता है, याद रखना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ये फुल फॉर्म पूछे तो पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको डिप्लोमा भी दिया जाता है, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस एंड इनपुट डीलर, ये DRC, ये यहाँ पर ये भी डिप्लोमा दिया जाता है। फिर यहाँ आपको मैनेज से रिलेटेड क्या बोला गया है? फ्रेंचाइजी विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, या देखो एजुकेशनल के साथ यहाँ पर ये एक ब्रांच या फ्रेंचाइजी भी आप बोल सकते हो, मैनेज के साथ इनका रहता है। अब फाउंडेशन ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन न्यू रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर होता है, ये तो डिपार्टमेंटल बात है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बच्चा एट द एंड ऑफ कुछ फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। एसी एबीसी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर 2002 में आया है ना। फिर आपको एग्रीज नेट का फुल फॉर्म बनाना चाहिए, एग्रीकल्चर रिसोर्स इंप्रूवमेंट सिस्टम नेटवर्क, आत्मा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए तो पूछा ही जाएगा। CDEP कॉन्फ्रेंसिव डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान, कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर्स, तो ये कुछ फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। DAP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एक्शन प्लान, फिर डिस्ट्रिक्ट फार्मर एडवाइजरी कमेटी, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर फार्म स्कूल, गवर्निंग बोर्ड्स हो गया, ICR हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप, किसान कॉल सेंटर, मैनेज हो गया, मैनेजमेंट कमोडिटी हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट हो गया, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट कौन करवाता है? अपना CET करवाता है, पार्टिसिपल रूरल अप्रीजल हो गया, RKY कृषि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो गई, समिति हो गया, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, और स्टेट लेवल सेंक्शनिंग कमेटी। तो बच्चा ये सारे फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये जितना भी था बच्चा आत्मा से रिलेटेड सारा मैंने आपको बता दिया है, क्या आत्मा, आत्मा के ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब
मिशन भी बता दिया, नेशनल मिशन भी बता दिया, स्टेट में जो जो काम होते बता दिया, कुछ स्कीम की भी बात कर ली, केसीसी की भी बात कर ली, सब बात कर ली, ठीक है। तो ये आत्मा से रिलेटेड मेरे को एक लेक्चर लेना था, ताकि बाकी मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, आपको एक्सटेंशन ज़्यादा पढ़ना है और एक्सटेंशन में भी आपको प्रोग्राम ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। मैनेज अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ा दिया मैंने वैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आत्मा में पूछी जा सकती है, बाकी वही है जो हमने आर यू में पढ़ा है, पूरा सिलेबस वही है। एक क्लास आपकी मैं लूँगा, कौन सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, किसकी क्लास लूँगा, एक क्लास लूँगा मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो आपके किस सिलेबस में है, जो 12वां जो सिलेबस है जीके का रीजनिंग के बाद, उसमें एक मैक्रो इकोनॉमिक्स करके लिखा हुआ है, तो उसकी मैं एमसीक्यूज क्लास करवाऊंगा इकोनॉमिक्स की, लगभग 50-60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन के आसपास इकोनॉमिक्स के रहेंगे, उसमें ये भी कवर हो जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें जो भी आर यू के नए क्वेश्चन है वो भी ले लेंगे, पुराने क्वेश्चन भी ले लेंगे, और इसके भी क्वेश्चन ले लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो आपका एक लेक्चर और होगा, तो आपकी आत्मा की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चा। लेक्चर कैसा लगा बताना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।